नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा क्यों अपने सात पुत्रों की हत्या करती है। जब शांतनु ने गंगा के पास हस्तिनापुर की पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा था, तो गंगा ने राजा से एक वचन मांगा था कि आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। और शांतनु ने गंगा को यह वचन दे दिया था और उसके साथ विवाह कर लिया था। कुछ समय पश्चात गंगा अपने कोख से एक सुंदर बालक को जन्म देती है और जन्म के पश्चात उसे अपने ही जल में बहा देती है। गंगा ऐसे ही एक एक करके अपने कोख से जन्म लेने वाले पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा देती। शांतनु गंगा तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा कुछ न कर पा रहे थे। वे एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वे गंगा से कुछ भी नहीं पूछ सकते थे। समय के साथ गंगा अपने आठवें पुत्र को जन्म देती है और जन्म के पश्चात उसे अपने ही जल में बहाने के लिए चली जाती है। शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं, परंतु इस बार वह सह न सके और गंगा को ऐसा करने से रोक दिया। शांतनु अपना पहला प्रश्न पूछ लेते हैं कि माँ होकर तुमने अपने बच्चों की हत्या क्यों की। फिर गंगा उत्तर देती है कि मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की, बल्कि इन्हें एक श्राप से मुक्त किया है। गंगा शांतनु को अपने और शांतनु के पिछले जन्म के बारे में बताती है। गंगा और शांतनु का जन्म पृथ्वी पर एक श्राप के कारण हुआ था। शांतनु और गंगा मृत्युलोक में श्राप जी रहे थे। पिछले जन्म में शांतनु महाराजा महाभिषक थे और देवराज इंद्र के मित्र थे। एक दिन जब गंगा अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ इंद्र सभा में आई, तब महाभिषक यानी कि शांतनु भी वहां उपस्थित थे। महाभिषक और गंगा एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के ख्यालों में खो गए। तभी हवा का झोंका आया और गंगा का आंचल उड़ा ले गया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने अपनी अपनी आंखें झुका ली, किंतु शांतनु यानी कि महाभिषक गंगा की तरफ देखता ही रहा। इस पर ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने गंगा और शांतनु को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब जब शांतनु ने वचन तोड़ा तो गंगा श्राप से मुक्त हो गई, और मुक्ति का अर्थ यह कि गंगा शांतनु के जीवन से सदा के लिए चली जाएगी। शांतनु गंगा से पूछते हैं कि मेरे इन सात पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जिन्हें तुमने अपने जल में बहा दिया। इस पर गंगा कहती है कि मन मैला न कीजिए आर्य पुत्र, आपके आठों पुत्र वो वसु है जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा को वसुओं का दुख देखा न गया और गंगा ने वसुओं को एक वचन दिया कि मैं आपको अपने कोख से जन्म दूंगी और जन्म के पश्चात आप लोगों को मृत्यु लोक से मृत्यु दिलाऊंगी। लेकिन आठवें पुत्र को बहाने से पहले शांतनु गंगा को रोक देते हैं, जिससे शांतनु का आठवां पुत्र बच जाता है। यही देवव्रत है, जिसका नाम अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म बना। अगले वीडियो में हम देवव्रत यानी कि पितामह भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा के बारे में जानेंगे कि क्यों देवव्रत ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली और उनकी अखंड भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी। धन्यवाद।